नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हाजिर हूँ SSC MTS 2020 और 2021 के सिलेबस को और एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने के लिए। दोस्तों ये लेटेस्ट अपडेटेड सिलेबस है MTS 2020 एंड 2021 का। सो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, इसमें हर एक सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट जो भी आपके सिलेबस में है वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ अवेलेबल है। दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करें उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम SSC से रिलेटेड एग्जामिनेशन ट्रिप ट्रिक्स क्वेश्चन पेपर एडमिट कार्ड इन्फॉर्मेशन सभी कुछ लाते रहते हैं। दोस्तों ये वीडियो अब शुरू करते हैं। तो अब जानते हैं कि इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। पहले ये पेपर वन का एग्जामिनेशन पैटर्न जानेंगे। दोस्तों दो पेपर्स होते हैं, पेपर वन और पेपर टू, जो रिटन टेस्ट होते हैं। तो जो पेपर वन होता है वो मल्टीपल चॉइस होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पेपर टू जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर टू में। हम आगे डिस्कस करेंगे कि पेपर वन में कितने मार्क्स का होगा और सारी जो डिटेल्स है वो देंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि जो आपका पेपर वन होता है वो हिंदी और इंग्लिश, जो लैंग्वेज होता है उसमें रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहता है। आपकी चॉइस है आप कौन सा देंगे। दोस्तों अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो चार पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, फिर इंग्लिश का, फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, फिर जनरल अवेयरनेस का, और ये 25-25 मार्क्स का रहता है, यानी कि टोटल आपको 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से, इंग्लिश से, न्यूमेरिकल यानी मैथमेटिक्स से, और जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स से। दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, उनका ये जिज्ञासा होता है कि इसकी मार्किंग सिस्टम क्या है, यानी कि निगेटिव मार्क कितने हैं, पॉजिटिव मार्क कितने हैं। तो दोस्तों अगर आपने एक सही बनाया और चार गलत बनाया तो आपको जीरो मिलेगा, यानी कि एक गलत पे आपका 0.25 नंबर्स कट जाएंगे, 1/4। दोस्तों अब आते हैं एग्जाम पैटर्न टू पे, यानी कि जो पेपर टू का एग्जाम पैटर्न है उस पे। तो दोस्तों ये 50 मार्क्स का पूछा जाता है, मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 50 होते हैं, और इसके टाइमिंग जो होते हैं वो 30 मिनट्स होते हैं। इसमें जो है शॉर्ट एसे या लेटर्स, ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, और आपको एसे या शॉर्ट लेटर्स पूछे जाएंगे। दोस्तों जैसा पेपर टू के बारे में अगर और अधिक जानकारी की बात हो तो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और MTS जो है ये एग्जाम आपको तभी देने देगा, यानी SSC आपको एग्जाम तभी देने देगा जब आप CBT 1 में पास कर जाएंगे, यानी कि जो मल्टीपल चॉइस का जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, उसको पास होने के बाद ही आप डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकते हैं और इसमें दे सकते हैं। दोस्तों सिलेबस की बात करें, पार्ट वन के सिलेबस की बात करें, पेपर वन के सिलेबस की बात करें, तो इसको चार भाग में डिवाइड किया गया है। तो पहला है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में आपको बेसिक इंग्लिश पढ़नी है, जिसे पेपर जब प्रश्न पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी है, ग्रामर है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, करेक्ट यूसेज ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है, राइटिंग एबिलिटी है, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से आप पढ़ लें। दोस्तों दूसरा है आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो है आपका सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पेस विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद है वर्चुअल मेमोरी, फिगर क्लासिफिकेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट्स। तो ये जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं ये सारा सिलेबस है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लें। अगला अगर बात करें तो ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स से, मैथ से कितने किस किस सब विषय से, किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे, तो वो है। तो आपको नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, फिर डिसमिल एंड फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फिर कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, इसको अच्छे से पढ़ लें, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो फ्रेंड्स आप ये समझ लीजिए कि जनरल अवेयरनेस जो होता है ये अथाह होता है, और इसका कोई प्रॉपर जो सिलेबस नहीं होता, लेकिन आपको ये
इन्हीं जो विषय आपके स्क्रीन पे दिख रहा है इन्हीं टॉपिक से प्रश्न आएंगे। तो जैसे इसमें स्पोर्ट्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, जनरल पॉलिटी ऑफ इंक्लूडिंग इंडियंस जो हो गया, कंस्टिट्यूशन हो गया, इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आप अच्छे से पढ़ लें। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स के जरिए भेजें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इस तरह का अपडेट्स आप तक पहुँचाते रहते हैं। जल्द हाजिर होंगे SSC के न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।